हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके एडिफाई। आज मैं यूज ऑफ पंचुएशन के बारे में बताएंगे। पंचुएशन विराम चिह, विराम चिह का प्रयोग, इसके अलावा विराम चिह का परिभाषा भी बताएंगे। विराम चिह होता है क्या है? जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं आया लिखते हैं तो अंत में कहीं ना कहीं रुकते हैं, तो जहाँ पर हम रुक रहे हैं वहाँ पर विराम चिह का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस जगह हम रुकते हैं वहाँ पर पंचुएशन का प्रयोग करते हैं। विराम चिह हमारे लिखित वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पंचुएशन। पहला हो जाएगा फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मार्क ऐसे होता है। सेकंड में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का संकेत ऐसे होता है। तीसरा देखते हैं नोट ऑफ ऑफ एक्स क्लास, एक्स क्लामेशन, इसका संकेत ऐसे होता है। चौथा है कॉमा। इसका संकेत ऐसे होता है। नेक्स्ट लिखेंगे डैश। नेक्स्ट लिखेंगे हाइपन। हाइपन, हाइपन का संकेत ऐसे होता है। इसको डैश नहीं बोलेंगे। इसका प्रयोग फादर इन लॉ, तो फादर और इन के बीच में हाइपन होगा और लॉ और इन के बीच में हाइपन होगा। जैसे देखते हैं फादर इन लॉ। नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन का संकेत ऐसे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, इसका संकेत ऐसे देते हैं। हम कुछ पंचुएशन का परिभाषा बताएंगे, इसके साथ एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा, क्या लिखे हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, पूरी तरह से रुक जाना है, इसका संकेत ऐसे बताए हैं। तो इसका प्रयोग हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका परिभाषा होगा कि फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप यूज किए। इसका प्रयोग सिंपल वाक्यों में किया जाता है, सिंपल स्टेटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ऐसे होता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं, क्या लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के समय करते हैं। क्वेश्चन मार्क का संकेत तो बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है दो तरह से पूछा जाता है, एक होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है SNO क्वेश्चन। तो इसमें से हम डील करते हैं WH क्वेश्चन और एक है एस या नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे वेन, वेयर, व्हाट, ETC। और एस नो क्वेश्चन में होगा जिसका जवाब एस या नो में दिया जाता है। तो इसे WH क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि WH से स्टार्टिंग, इसमें हु भी हो जाएगा। अगला देखते हैं नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा में है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क इसका प्रयोग हम देखिए कहाँ करेंगे। से एक्सक्लेमेशन का डिफिनेशन हो जाएगा कि नॉट, इसका डिफिनेशन हम दे रहे हैं, फिर से इसको लिखेंगे हम नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज, ऐसे होगा इसका मार्क। अच्छा, यहाँ पर अभी हम इसका परिभाषा में हम इसको ऐसे दे देते हैं, तो क्या लिखेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग। क्या हो जाएगा, फीलिंग। इसका ये हुआ कि जब हम अचानक कुछ फील करते हैं, चाहे वह खुशी का फीलिंग हो या दुखी का फीलिंग हो, तो उसके अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, जब हम खुशी प्रकट करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ, ऐसे देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। वी इन जॉय, वी इंजॉय सो मैनी फेस्टिवल। देखिए यहाँ पर एक साल में समार्क का प्रयोग किए। इस तरह से हम जब हम दुख प्रकट करते हैं उस समय भी यह प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप का हम एग्जाम्पल छोड़ दिए थे, इसको हम पूरा करते हैं। तो फुल स्टॉप के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जब कोई सेंटेंस लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं, जैसे हो जाएगा वी लिव इन इंडिया। तो हम सिंपल सेंटेंस है कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का कभी एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन मार्क का एग्जाम्पल क्या देखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ बताया WH क्वेश्चन से भी स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए। इस तरह से WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल हुआ।
अगला है कौमा, कौमा, कौमा का संकेत इस तरह से होता है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा लिखेंगे कॉमा इज यूज्ड फॉर शॉर्ट पॉज, जब एक लंबी वाक्य है और उस वाक्य के बीच में थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे में हो जाएगा एग्जाम्पल में एन सी सी कैडेट्स, फिर कॉमा दे दिए, फिर लिखते हैं आर्मी बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। देखिए यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं एनसीसी कैडेट्स, कॉमा दिए, आर्मी बैंड एंड स्कूल चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, मतलब एनसीसी कैडेट, आर्मी बैंड और स्कूल के बच्चे रिपब्लिक परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतना लंबा वाक्य को बोलने के लिए हमें यहाँ पर हम रुके, इसको बोलते हैं कॉमा। इस तरह से हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।